हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, लेक्चर 2। फॉर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप 3 टॉपिक। नंबर 1, एपिकल्चर दैट इज बी कीपिंग। नंबर 2, पिसीकल्चर दैट इज फिश फार्मिंग। एंड नंबर 3, प्लांट ब्रीडिंग। ऑफ विच स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 सेक्शन वी विल क्विकली गो थ्रू बिकॉज इट इज इंफॉर्मेटिव। थर्ड टॉपिक इज कॉन्सेप्चुअल, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये वाला पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स क्विकली बिगिन। एपिकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी कीपिंग। यहां पर हम लोग हनी बीज का ध्यान रखते हैं, क्यों? दुआ मिलेगा? नहीं नहीं, इंसान है तो अपने फायदे की सोचेगा ही। ओके, सो ह्यूमंस टेक केयर ऑफ हनी बीज फॉर 2 पर्पस। नंबर 1, सो एज टू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हनी। नंबर 2, सो एज टू गेट बीज वैक्स, यानी हमको मोम, कैंडल, मोमबत्ती का जो मटेरियल होता है ना, वैक्स, वो और हनी मिल सके। अब यहां पर कैसा है ना, वी आर गोइंग टू रेज हाइव्स ऑफ हनी बीज। हाइव्स का मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता, उनका जो घर होता है वो। अब इतने सारे मधुमक्खी को कल्चर करने के बाद, ग्रो करने के बाद, अल्टीमेटली हनी और बी वैक्स मिलेगा। हनी हैज गॉट लॉट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजिनस मीन्स हमारे देश का, यानी अपने ही लोकेलिटी का। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया रिफर्स टू आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हमारे देश की ही उपज है, और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हनी इज यूज्ड। मूविंग ऑन, बीज वैक्स हैज गॉट गुड इंपॉर्टेंस इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड इन पॉलिश इंडस्ट्री। नेक्स्ट, एनी एरिया विच हैज पैस्चर्स। देखो, बी कीपिंग के लिए कैसा ना कि बहुत बड़ा सेटअप लगाना नहीं पड़ता है। किसी भी एरिया में जहां पर पैस्चर्स बहुत सारे, यानी ग्रीनरी बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे वाइल्ड श्रब्स हैं, बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हैं और बहुत सारे क्रॉप्स हैं, वहां पर हम लोग बी कीपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, बी कीपिंग डज नॉट इन्वॉल्व लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर्स, यानी इसमें ज्यादा मजदूर, ज्यादा मजदूरी, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी फाउंड इन इंडिया इज एपिस इंडिका। जस्ट दैट, जब भी बी कीपिंग किया जाता है ना, सो वी हैव टू रिमेम्बर कि इतना ज्यादा मजदूर और इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, बट जो चीज काम में आती है वो है नॉलेज। वी शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट नंबर 1, नेचर एंड द बीज हैबिट। नेचर यानी कुदरत, कौन से एनवायरनमेंट, कौन से कुदरती एरिया में हम उनको रख रहे हैं, और हनी बीज की आदत क्या है, वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, वो कब ज्यादा रेस्ट करते हैं, ओके, कौन सा एरिया उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, वी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर बी हाइव्स। नंबर 3, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स, एमसीक्यू। स्वार्म्स का मीनिंग इज ग्रुप ऑफ बीज। ओके, हम लोग ये हनी बीज को किस तरह से पकड़ सकते हैं, किस तरह से इनको अपना छत्ता बनाने के लिए मदद कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेक्टिव क्लोज दैट अ पर्सन शुड यूज सो एज टू कैच एंड सो एज टू हाइव द स्वार्म, दैट इज ग्रुप ऑफ हनी बीज। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में हम लोग इन हाइव्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द वैक्स एंड द हनी। ये वैक्स और हनी को कैसे हैंडल करना है, इन हनी बीज को कैसे दूर करना है ताकि हम हनी को कलेक्ट कर सकें, इनको भी नुकसान ना पहुंचे। एंड लास्ट, हनी बीज आर वेरी गुड पॉलिनेटर फॉर नंबर ऑफ क्रॉप्स लाइक ब्रासिका, एप्पल, पेयर एंड सनफ्लावर। आई रिपीट, रिमेंबर द शॉर्टकट ऑफ BAPS, और यू कैन से बाप्स। ओके, ब्रासिका, एप्पल, पेयर्स एंड सनफ्लावर। वेल, दैट्स ऑल अबाउट एपिकल्चर। क्विकली गोइंग टू पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। इट इन्वॉल्व्स कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। यानी इसमें कैसा है ना कि हम लोग सिर्फ मछलियों को ही नहीं पकड़ते हैं, मछलियों के साथ साथ बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स को भी पकड़ते हैं, जिनसे हमारा फायदा होता है। अब बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें वी हैव प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर एंड एडिबल ऑयस्टर। एडिबल मीन्स ईटेबल। नेक्स्ट,
few examples of freshwater fish and marine water fish that you are supposed to remember from meat point of view. Freshwater fish में let's take a technique. तेरा दोस्त जिसका नाम है रोहित, उसके पास बिल्ली है, cat, और तू उसको घर आने बोल रहा है. तो कम रोहित और अपनी बिल्ली को भी ले आ, cat ला. Okay? So you remember like this. Now come is come on, रोहित is रोहू, और cat को भी ला is cat ला. Okay? So these are three commonest example of freshwater fish. मरीन वाटर फिश के लिए यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, सर के पास, तुम्हारे सर के पास, प्रोफेसर के पास पोमेरियन डॉग है जिसका नाम है मैक. सर ने उसको हिला हिला के मार डाला, मरीन. सो मरीन फिश का एग्जाम्पल यू टेक इट लाइक दिस. ओके, सर के पास, सर यानी सरडाइन, पोमेरियन है पॉम्फ्रेट, जिसका नाम मैक है, मैकेरल, हिला हिला के मार डाला. हिला हिला विल गो फॉर हिलसा, और मार डाला मींस मर गया ना, मरीन. ओके, कमिंग बैक, सो फ्रेश वाटर फिश थ्री एग्जांपल, कॉमन कार्प, रोहू एंड काटला. रेस मरीन वाटर फिश यू हैव एग्जांपल सर्डाइन, पॉम्फ्रेट, मैकरेल एंड हिलसा. नेक्स्ट, ये फिशरीज के वजह से है ना, इट ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू लॉट ऑफ पीपल इन अवर कंट्री, स्पेशली पीपल स्टेइंग इन कोस्टल एरियाज. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फिशरी इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी उनकी पूरी आमदनी, उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा परिवार फिशरी व्यवसाय पर निर्भर करता है. नेक्स्ट, एक्वा कल्चर वर्सेज पीसी कल्चर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्सर लोगों को लगता है ये सेम है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. एक्वा कल्चर में वी कैच डिफरेंट एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, एंड पीसी कल्चर इज रिलेटेड ओनली टू फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स. यानी अगर मैं समुद्र में से अलग अलग फ्लोरा एंड फौना, यानी अलग अलग एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को पकड़ता हूँ, उनको ग्रो करता हूँ, उनका कमर्शियल वैल्यू है, यानी उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा जिसको मार्केट में बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्वा कल्चर. बट अगर वो सिर्फ फिश और फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे पीसी कल्चर. लास्ट, जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, उसी तरह से यू हैव टू रिमेंबर ब्लू रेवोल्यूशन. This was started so as to increase the intensity and the production of aquaculture and commercially important products that we get from water. So, well friends, this is all about pisciculture. Moving on, last but very conceptual topic, that is plant breeding. Breeding refers to reproduction. Plant breeding में कैसा ना कि हम लोग दो अलग अलग plant के varieties को reproduce करवाते हैं, ताकि हमको एक वेराइटी मिले जिनमें दोनों के गुण हो, दोनों के कैरेक्टर हो. सो एक तरह से हम लोग यहां मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि हमको एक ही प्लांट में दोनों प्लांट्स के क्वालिटीज उपलब्ध करवा के मिल जाए. प्लांट ब्रीडिंग हाल ही में नहीं आया है, ये 9000 से लेकर 11000 साल पुराना टेक्निक है, और इस टेक्निक के मदद से हम लोग बेहतर प्लांट की वैरायटी को बना सकते हैं. अब बेहतर वैरायटी में हम लोग कौन से क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं? बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स. ओके, सो विच क्वालिटीज डू वी एक्सपेक्ट? नंबर वन, दे शुड हैव हाई यील्ड. यील्ड यानी प्रोडक्शन, एंड दे शुड हैव हाई क्वालिटी, यानी वो क्वांटिटी भी ज्यादा देना चाहिए मुझे, क्वालिटी भी ज्यादा देना चाहिए. नेक्स्ट, दे शुड हैव हाई टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक ड्रॉट. ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना. सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी हद से ज्यादा नमक वाला क्लाइमेट. ओके, विच विल यूजुअली फाइंड इन सॉइल एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. सो एक बेहतर वेराइटी क्या होता है? बेहतर वेराइटी वो होता है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी देगा, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी भी देगा. बेहतर वेराइटी क्या होता है? जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, हद से ज्यादा सूखा पड़ना, नमकीन मिट्टी, हद से ज्यादा ठंडा या गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है. बेहतर वेराइटी क्या होता है? विच इज रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस. पैथोजेंस यानी जर्म्स. बेहतर वेराइटी क्या होता है? विच हैज इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट. तरह तरह के इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, इसके खिलाफ भी वो टॉलरेंट है, इनके खिलाफ भी वो लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है. लास्ट,
स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब बच्चों यहाँ कैसा है ना, टोटल 5 स्टेप, ये देखो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग है ना टाइटल अच्छे से बाहर कर लेते हैं। इसमें ना इसके टाइटल्स को याद करो, मेमोराइज करके रखो, क्योंकि इसका सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंगस्ट सिलेक्टेड पेरेंट्स, फोर्थ इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, एंड फिफ्थ इज टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले ये 5 टाइटल को मेमोराइज करके रखो। ओके, स्टेप नंबर 1 वॉज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टेप नंबर 2 इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, स्टेप नंबर 3 क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंगस्ट सिलेक्टेड पेरेंट्स, स्टेप नंबर 4 सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, एंड लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। देखो हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए जो बेहतर होना चाहिए। ओके, नाउ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेराइटी। नाउ समझो फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जो राइस ग्रो कर रहा है, और ये जो राइस ग्रो करता है ना, इसका राइस का वेराइटी ऐसा है कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ता है, उस पर है ना कोई भी बैक्टीरिया और फंगस उसको अटैक नहीं कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ही इज हैविंग डिजीज रेजिस्टेंट राइस वेराइटी। अच्छा, वही जगह पे दूसरा फार्मर जो राइस ग्रो कर रहा है ना, उसके राइस वेराइटी की खास बात यह है कि वो ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी देता है। यानी नॉर्मल फार्मर अगर 1 एकड़ जमीन में राइस ग्रो कर रहा है तो समझो उसको 100 किलो राइस मिल रहा है, 100 kg, बट इस फार्मर के पास ऐसा राइस है उतने ही जमीन में ये 200 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है। सो फर्स्ट फार्मर विच इज हैविंग डिजीज रेजिस्टेंट राइस वेराइटी, सेकेंड फार्मर विच इज हैविंग हाई यील्डिंग राइस वेराइटी। नाउ आई एज अ साइंटिस्ट आई वुड लाइक टू बी थर्ड फार्मर। Now, as a third farmer, I would like that कि how about मेरा राइस अगर disease resistant भी हो और high yielding भी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले राइस वेराइटी के साथ ब्रीड करवाना पड़ेगा, यानी रिप्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ताकि मुझे एक ऐसा राइस मिले जो डिजीज रेजिस्टेंट भी है और जो हाई यील्डिंग भी है। सो अब ये प्लांट ब्रीडिंग में कैसे करूं, उसके लिए 5 स्टेप, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी यानी वेराइटी। तो सबसे पहले हम वेराइटी कलेक्ट कर लेंगे। समझो फॉर एग्जांपल, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी में एक राइस ऐसा है जो बैक्टीरिया से लड़ सकता है, दूसरा राइस ऐसा है जो फंगस से लड़ सकता है, अलग से तीसरा राइस ऐसा है जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों से लड़ सकता है। नेक्स्ट, हाई यील्डिंग राइस। अब एक राइस का वैरायटी ऐसा है कि इसको अगर 1 एकड़ जमीन में ग्रो करूं तो लेट्स से ये मेरे को 50 kg राइस देगा, दूसरा वैरायटी ऐसा है जो 100 kg देगा, लेट्स से तीसरा वैरायटी ऐसा है जो मुझे 200 kg राइस देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, डिजीज रेजिस्टेंट में भी मेरे पास अलग अलग वेराइटी है और हाई यील्डिंग में भी मेरे पास अलग अलग वेराइटी है, तो इन सब के सीड्स को मैंने कलेक्ट करके रखा है, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब यहां डेफिनेशन इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, having diverse alleles, alleles means alternate forms, having diverse alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection. I repeat, the entire collection of plant and seeds having all different alternative forms of genes in a given crop is called as germplasm collection.
इजी लैंग्वेज में जर्म प्लाज्म कलेक्शन में हम लोग सारे वेराइटी कलेक्ट करके रखते हैं और ये वेराइटी सीड्स के फॉर्म में होता है। सो लेट्स से पंजाब से जो राइस आया है वहाँ का फार्मर बोलता है हमारी स्पेशलिटी ये है कि ये 50 केजी देगा। लेट्स से हरियाणा से जो वेराइटी आया है वो बोलता है कि हमारा राइस 100 केजी देगा। ओके, लेट्स से महाराष्ट्र का जो राइस है वो बोलता है हमारा राइस बैक्टीरियाज के खिलाफ रेजिस्टेंट है। सो ऐसे अलग अलग सीड्स कलेक्ट करो। अच्छा, अब ये सीड्स के अंदर जो राइस की क्वालिटी है वो क्यों है उनके पास, क्योंकि हर सीड के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। यानी अगर आपने सीड्स कलेक्ट कर लिया तो आपने एक प्रकार से अलग अलग तरह के जीन्स कलेक्ट कर लिए और यही जीन्स जब एक्सप्रेस करेंगे तब जाके आगे तुमको कैरेक्टर्स मिलेंगे। सो 50 केजी वाला राइस 50 केजी कैरेक्टर है ना, क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा जीन है अंदर जिसके वजह से वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे। 100 केजी उसके पास ऐसा जीन है जो 50 केजी से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे। बैक्टीरियल रेजिस्टेंट उसके पास ऐसा जीन है जिसके वजह से बैक्टीरिया उस राइस को अटैक नहीं कर सकते हैं। सो जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सारे सीड्स और प्लांट्स को कलेक्ट कर लो जिनके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स है, यानी अलग अलग वेराइटी है, और इस कलेक्शन को हम बोलेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे ना, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएट करना यानी ग्रेड करना। अब तू यहां देख, डिजीज रेजिस्टेंट में तेरे पास लेट्स से 3 वैरायटी था, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, फंगल रेजिस्टेंट एंड बैक्टीरियल एंड फंगल रेजिस्टेंट। अब ये तीनों में तुम ग्रेड करो कि कौन सा बेस्ट है। सो डेफिनेटली ये बेस्ट है क्योंकि ये बैक्टीरिया के खिलाफ भी लड़ सकता है और फंगस के खिलाफ भी लड़ सकता है। वैसे हाई यील्डिंग में ये राइस 50 किलो देगा, ये सीड्स मेरे को 100 किलो देगा और ये मेरे को 200 किलो देगा। सो इनमें इवैल्यूएट करो सबसे बेस्ट कौन है ये। सो दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। यानी कैरेक्टर में भी जो तुम्हारे पास अलग अलग वेराइटी है उनको ग्रेड करो और उनमें से जो सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो। सो लेट्स से 2 वेराइटीज मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सीड को मैंने जमीन में डाला, देयर इज दिस राइस जो बैक्टीरिया से भी रेजिस्टेंट है और फंगस से भी रेजिस्टेंट है, और ये सीड को मैंने जमीन में डाला, ओके, देयर इज दिस राइस जो मेरे को ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, लेट्स से 200 केजी ऑफ राइस पर एकर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब इन दोनों को हमको क्रॉस करना है। उसके लिए थर्ड स्टेप इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। सो जो पहला वाला वेराइटी है उसके पोलन ग्रेन्स लेके मेरे को दूसरे वेराइटी के ऊपर डस्ट करना है। बट ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए भी फर्दर स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन। लेट अस गो एज पर इंग्लिश। ईमैस्कुलेशन में ई मींस रिमूवल एंड मैस्कुलाइन मींस मेल कैरेक्टर। सो हर प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर में देयर इज अ मेल पार्ट कॉल्ड एज एंड्रोशियम and there is a female part called as gynoecium. Okay, right? तो जब मैं एक प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन लेके दूसरे पे डस्ट करूंगा तो जो भी फीमेल प्लांट होगा, समझो ये प्लांट जो है इसके ऊपर पोलन ग्रेन डालना है, तो फीमेल प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है ना उसके सारे एंड्रोशियम, सारे स्टेमेन, रिमेंबर एंड्रोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेमेन, वो एंड्रोशियम या स्टेमेन को मैं निकाल दूंगा। ओके, इनको है ना निकाल देना है बिफोर एंथेसिस, इससे पहले कि इसका पोलन ग्रेन बनने लगे, यंग स्टेज में इसको निकाल दो, नहीं तो क्या होगा ना कि इसी का पोलन ग्रेन इसी के फीमेल पार्ट पे सेटल हो जाएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ये पोलन ग्रेन डाला है इस पे, मैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूं, बट वो प्लांट का ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है जो मेरी नजर से चूक सकता है। इसीलिए यंग स्टेज में ही इसके जितने भी मेल पार्ट से उसको निकाल दो। That is called as emasculation. Emasculation refers to removal of the stamen before anthesis. अब ये stamen को निकालने के लिए दो method है। एक है forceps method. Forceps में एक पतला सा ऐसा चिमटा जैसा आता है। Okay, you can say it's an instrument which is used to hold it and then you can pluck it off. And second is hot water method. Hot water method में male parts is immersed inside the hot water, जिसके वजह से सारे male cells destroy हो जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज इमैस्कुलेशन। सो दो प्लांट मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक जो बैक्टीरियल और फंगल रेजिस्टेंट है और दूसरा जो हाई प्रोडक्टिविटी 200 केजी दे सकता है।
ओके, जिसको भी मैं फीमेल सिलेक्ट करूं, समझो इसको फीमेल सिलेक्ट किया, तो इसमें पहले इमैस्कुलेशन कर दिया, सारे मेल पार्ट्स तोड़ दिए। अच्छा, फिर तोड़ने के बाद इसके ऊपर मैं बटर पेपर बैग से इसको कवर कर लूंगा। ओके, इस स्टेप को मैं बोलूंगा बैगिंग। थर्ड, अब जो मेल प्लांट है उसके पोलन ग्रेन को लेके ये बटर पेपर बैग निकालो। क्यों बटर पेपर बैग लगाया था? ताकि कोई और पोलन ग्रेन हवा से उड़ के इसके ऊपर आके इसको फर्टिलाइज ना करे। तो जैसे मेरे मन चाहे प्लांट के पोलन ग्रेन्स रेडी हैं, तब जाके बटर पेपर बैग को निकाला जाता है, ये पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर डस्ट कर दिया जाता है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डस्टिंग। डस्ट करने के बाद इसको दोबारा बटर पेपर बैग से कवर कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रीबैगिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज टैगिंग। फिर इस प्लांट पे एक लेबल लगा दिया जाता है, उसमें सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। नेक्स्ट, अब जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और ये प्लांट जब मुझे सीड्स देगा, फिर वो सीड के पास दोनों की क्वालिटी होगी। वो मुझे हाई प्रोडक्टिविटी भी देगा और बैक्टीरियल और फंगल रेसिस्टेंट भी होगा। अब ये जो सीड है, यानी ये जो बच्चू है, बच्चू मीन्स बच्चू, ओके, हाईफाई वर्ड फॉर बच्चू इज प्रोजेनी, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब ये सीड अपने दोनों भी पेरेंट प्लांट्स के मुकाबले सुपीरियर है, क्योंकि इसके पास दोनों के क्वालिटी है। ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज हाइब्रिड। ओके, अच्छा, अब जो मुझे सीड्स मिले ना, फिर मैं वो सीड्स को भी जमीन में डालूंगा और वो सीड्स को भी मैं है ना टेस्ट करूंगा। सो देयर इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो सीड्स को भी मैं जमीन में डाल के देख रहा हूं कि इन सीड्स के पास दोनों प्लांट्स के क्वालिटीज आए हैं या नहीं आए हैं। समझो पांच सीड में से, ओके, दो सीड में वो मन चाहे कैरेक्टर आ गए, दो सीड्स बैक्टीरियल और फंगल रेजिस्टेंट भी है और उनका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा निकला, पर तीन सीड्स में गड़बड़ आया, तो मैं वो तीन सीड्स को छोड़ दूंगा। ये दो सीड्स को वापस जमीन में डाल के इनमें से प्लांट उगाऊंगा और इनका सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा। फिर मेरे को और बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, उसको भी जमीन में डालूंगा और उन प्लांट्स को भी चेक करूंगा कि मनचाहा कैरेक्टर आया कि नहीं आया। और जिन जिन प्लांट्स में मनचाहा कैरेक्टर आएगा, उनका बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा। कब तक करते जाऊंगा? जब तक वो मुझे सारे सीड्स ऐसे ना दे दे सच दैट कि सब में वांटेड कैरेक्टर्स, मन चाहे कैरेक्टर्स होने चाहिए। किसी में भी थोड़ा भी डिफेक्ट आया तो वो प्लांट को छोड़ दिया जाता है। वांटेड प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करते रहो। दिस प्रोड्यूसेस होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब दिस गिव्स मी प्योर लाइन वेराइटी ऑफ प्लांट। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। समझो फॉर एग्जाम्पल एक रोज प्लांट है जिसपे डार्क रेड रोज आते हैं, पर ये प्लांट की बुरी बात ये है कि इसका हाइट बहुत छोटा है। दूसरा रोज प्लांट है जिसमें लाइट रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं है, पर उसकी अच्छी बात ये है कि प्लांट बहुत ऊंचा है। अब मैंने लेट से ब्रीडिंग किया इनका, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो अब मुझे जो रोज मिलेगा उसमें ब्राइट रेड कलर का फ्लावर भी अच्छा आएगा और उसका हाइट भी ज्यादा होगा। ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। सो लेट्स से मैंने इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवा दिया, मुझे पांच सीड्स मिले। अब पांचों सीड्स को जब जमीन में डाला तो पांच में से सिर्फ दो सीड्स में वो मन चाहे कैरेक्टर आए, यानी दो ही ऐसे सीड्स थे जिनमें रोज का फ्लावर भी अच्छा था ब्राइट रेड कलर का और ऊंचाई हाइट भी अच्छी थी, बाकी तीन में कोई ना कोई डिफेक्ट आया, तो मैं बाकी तीन को छोड़ दूंगा। फिर ये दो जो वेराइटी है इसका वापस सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा। फिर इसमें से पांच सीड्स आए, इसमें से पांच सीड्स आए, उसको भी जमीन में डाला। ओके, पांच प्लांट इधर उगाए, पांच प्लांट इधर उगाए। फिर मैंने देखा कि यहां पर अब इनमें से भी लेट से चार में और इन चार में मन चाहे कैरेक्टर्स आए, एक एक में नहीं आए। फिर वो चार और चार का वापस सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे करते जाऊंगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे पांच सीड्स मिले, यहाँ पांच सीड्स मिले, मैंने जमीन में डाला, पांचों में वांटेड कैरेक्टर्स है, यहाँ भी पांचों में वांटेड कैरेक्टर्स है।
सो मैं सेल्फ पॉलिनेशन कब तक रिपीट करते जाऊंगा? द सेल्फ पॉलिनेशन इज रिपीटेड अनलेस एंड अंटिल वी गेट होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन मींस प्योर कंडीशन. लास्ट, फिर ये जो हाइब्रिड सीड्स, बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स मुझे जो मिलते हैं ना, उसका टेस्टिंग होगा. अच्छा, टेस्टिंग कहां पर होता है? रिसर्च फील्ड में, यानी लेबोरेटरी में ही, लेबोरेटरी के सेटअप में ही एक आर्टिफिशियल फील्ड तैयार किया जाता है और वहां पर इन सीड्स को ग्रो करते हैं. उसको अलग अलग फर्टिलाइजर, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स, अलग अलग तरह का टेम्परेचर, पीएच, ये सब उसका नोट किया जाता है और फिर उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है. अच्छा, मार्केट में रिलीज करने के टाइम वो सीड्स के सारे क्वालिटीज पता होते हैं कि ये किस तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, इसको कितना फर्टिलाइजर, कितना वाटर चाहिए, ये सारे क्वालिटीज पहले ही टेस्ट कर दिए जाते हैं रिसर्च फील्ड में. उसके बाद इसको प्रॉपर एग्रीकल्चरल फील्ड में रिलीज किया जाता है. और क्योंकि ये सीड्स ज्यादा फायदा देंगे इसीलिए इसके दाम अलग होते हैं, ये महंगे बिकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन. यानी ये सीड्स का कितना पैसा होगा ये रिसर्च टीम डिसाइड करती है. So that is the last step called as testing, release and commercialization of new cultivars. Well students, that's all about plant breeding. I hope Yo-Yo Bio tujhe samajh mein aaye. Keep reading, keep rocking and stay connected with this fantastic channel called as Yo-Yo Bio. Read Bio, lead Bio. Thank you so much.